हाउ आर यू ऑल। आज डिस्कस करेंगे एसिड बेस। ठीक है, एसिड बेस की हम नॉर्मल देख लेते हैं, एसिड बेस होते क्या हैं। उसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे इनको पहचानते कैसे हैं, यानी कि कोई सब्सटेंस है तो वो एसिड कैसे हुआ, बेस कैसे हुआ, तो आइडेंटिफाई करने आना चाहिए ना। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। इसलिए हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, द वर्ड एसिड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडे विच मीन्स सॉल्ट। देखो, एसिड जो है लैटिन वर्ड से आया है, एसिडे वर्ड से, जो कि जिसका मतलब होता है सॉल्ट, मतलब खट्टा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो कि खट्टे टेस्ट के होते हैं, यानी कर्ड हो गया, लेमन जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर। ठीक है, इन सब का टेस्ट कैसा होता है? सॉल्ट। इन सब का टेस्ट होता है खट्टा, तो इनमें क्या हुआ? एसिड प्रेजेंट है। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सॉल्ट बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। ये सब्सटेंसेस खट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि इन सब्सटेंसेस ने एसिड्स को कंटेन कर रखा है। ठीक है, एसिड्स हैं इनके, ठीक है, इनके पास एसिड्स हैं, इसलिए ये खट्टा टेस्ट है इनका। द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस एसिडिक। तो केमिकल नेचर जो है इन सब्सटेंसेस का, वो एसिडिक नेचर का है। केमिकल नेचर जो है सब्सटेंसेस का, वो एसिडिक है। ठीक है, द एसिड इन द सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। देखिए, जो एसिड हैं ये वाले किसी भी सब्सटेंस में, वो नेचुरल एसिड्स हैं। ऐसा नहीं कि हमने बना के डाल दिए, यानी ह्यूमन मेड नहीं है, वो नेचुरली हमें अगर नेचुरली अगर होते हैं ये किसी भी सब्सटेंस में मिलते हैं। ठीक है, चलिए बेस के बारे में देख लेते हैं। बेस क्या होता है? बेस एज अ सब्सटेंस है जो कि बिटर टेस्ट का, यानी कड़वा टेस्ट का होता है, और अगर इसको टच करोगे तो सोपी टच का होगा ये। और जो नेचर है एज सब्सटेंस का, वो बेसिक है। एग्जाम्पल के लिए, जो भी सब्सटेंस जो कि बिटर टेस्ट के, यानी ब्रोकली, स्प्राउट, रेडिशेस और भी जो भी आगे सब्सटेंस जो कि बिटर टेस्ट के हैं, वो बेसिक होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उस सब्सटेंस ने बेस को कंटेन कर रखा है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा।